कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे ही होंगे। आज संडे है और मैंने सोचा कि आज मटन बिरयानी बनाई जाए। ये मैंने गोश उबाल के ली हूँ, ये 1.25 किलो के आसपास है मटन, बोनलेस मैंने ली हूँ आज। इससे मैंने हल्दी, हरा मसाला और नमक डाल के उबाल ली हूँ ताकि मेरी टाइम की बचत हो जाए। ये आलू चाहिए हमें जो मैंने बड़े बड़े कट करके ली हूँ पीसेस में, और इसे मैंने सिर्फ फ्राई की हूँ। 3 टमेटोज चाहिए जिसे मैंने स्लाइस करके ली हूँ। 1 कटोरी दही चाहिए हमें, और मसाले ये मुझे चाहिए। घर के ही मसालों में मैं बिरयानी बनाती हूँ ज़्यादा करके। नमक हसब ज़रूरत, 1/2 टीस्पून हल्दी चाहिए, 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये 1.5 चम्मच के करीब है धनिया पाउडर, ये 1 चम्मच जीरा पाउडर है, 1/2 चम्मच गरम मसाला है, और ये आप कोई भी मीट मसाला ले सकते हैं कोई भी ब्रांड का। ये 1 चम्मच के करीब तीखा वाला लाल मिर्च है, बस इतना ही जाएगा। और कुछ खड़े मसाले जाएंगे पानी बॉईल होने में। मैं बिरयानी के मसाले में खड़े मसाले नहीं डाल। मेरा बिरिस्ता डन हो गया है, अभी इसी में मैं थोड़ा सा बिरिस्ता निकाल लूंगी मैं ऊपर बिरयानी में डालने के लिए। बस बस इतना ही बिरिस्ता मैं रख लूंगी अभी। अब इसी में मैं सारे मेरे मसाले, पहले मैं मटन ऐड करूंगी, ये इसी में जाएगा सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राइड आलू भी जाएंगे इसी में, ये बहुत जल्दी झटपट सी बनती है। सारे मेरे ड्राइड पाउडर मसाले भी इसी में जाएंगे अभी। इसे अच्छे से हम एक बार भून लेंगे। फास्ट कर दी हूं मैंने गैस की आंच। टमाटर भी मैं अभी डाल दूंगी, टमाटर भी मैंने डाल दी। थोड़े मसाले भी मेरे भून चुके हैं, और ये 1 कटोरी दही है वो भी मैं अभी ऐड कर दूंगी इसी में। वेस्ट कुछ भी मत करो, हाथ को की मदद से निकाल के ले लो सारा कुछ। अच्छे से इसका क्विक स्टर देंगे हम अभी। जो मैंने मटन उबाला ना उसका मैंने स्टॉक भी रखा है, अगर मुझे थोड़ी थोड़ी देर में इसमें जरूरत पड़ेगी मैं ये फेंकती नहीं हूँ, ये इसी में डालूंगी ऐड करूंगी, क्योंकि इसमें ग्रीन हरा मसाला है, हल्दी है और नमक है, और इसमें मटन का अपना ही एक टेस्ट होता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है स्टॉक का। तूने पी ना इसके लिए। ये देखो मैं डालूंगी, मैं ज़्यादा करके बिरयानी में टमाटर गलाती नहीं हूँ एकदम, उसका एक अपना ही टेस्ट होता है, खट्टा छुट्टा है जब हम चावल में मिक्स करके। नमक एकदम परफेक्ट आ रहा है, अभी मैं इसे थोड़ी देर अपने ही मसालों में थोड़ी देर भूनने दूंगी। ये जो मेरा बचा हुआ स्टॉक है वो भी मैं ऐड कर रही हूँ, वेस्ट कुछ भी मत करो, और कम ही पानी रखने का उबालने के समय, ज़्यादा पानी नहीं रखने का ताकि हम वो ऐड कर सके इसमें बिरयानी में। अब ये मसाले में थोड़ा सा गल जाएगा अपना, तब तक मैं पानी रख देती हूँ मेरे चावलों का। बोल चावलों में चावल के लिए मैंने पानी चढ़ा दी हूँ, और ये देखो चावल मैंने भिगा के भी रख दी हूँ यहाँ पर, और मैं अभी इसमें नमक डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून तेल डालूंगी, और ये जो मेरे कुछ खड़े गर्म मसाले हैं वो डालूंगी इसमें। है ये 1/2 टीस्पून जीरा है, 1/2 टीस्पून बड़ी सौंफ है, 2 तेज पत्ता है, 1 हरी मिर्च है जिसे मैंने 2 टुकड़ों में कट करके ली हूँ,
सात आठ काली मिरी है, एक बड़ी इलायची है और दो बादियान के फूल है, चार लौंग है और एक तज का टुकड़ा है, ये मैं इसमें डालूंगी अभी। इसे बॉईल आने देंगे, फिर चावल ऐड करेंगे। चावल पसाने के टाइम पे मैं आपको बताती हूँ। ये बिरयानी के पानी में मैं थोड़ी कोथमीर भी कट करके डाल रही हूँ। बिरयानी की लेयरिंग स्टार्ट कर दी है, चावल मेरे बॉईल हो चुके थे, मुझे लेट बहुत हो रहा है इसके लिए मैंने स्टार्ट कर दिया है। एक मैंने लेयर बिछा दी हूँ, बिरयानी की लेयरिंग हो गई है और बिरयानी घी के बिना अधूरी है, तो मैं इसमें दिल खोल के दो चम्मच डाल रही हूँ बस। देसी घी डाला है मैंने, आप नॉर्मल घी या रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो, घी से टेस्ट और बेटर हो जाता है। हाँ, उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये थोड़ा केवड़े का पानी, सॉरी केवड़ा का नहीं, केसर का वाटर है जो मैंने गर्म पानी में भिगा के रखी हूँ, ये थोड़ा हम ऐड करेंगे। ये हो गया और बिरिस्ता मैं ज्यादा नहीं डालती, मेरे बच्चे साइड में लेके खाते हैं, और थोड़ी सी कोथमीर ऐड करूंगी और इसे दम पे लगा दूंगी। अभी मैं इसे छुरी से या उल्टी चम्मच लेने का ऐसा, और ऐसा पोक कर देने का ताकि इसकी स्टीम अच्छे से ऊपर आ जाए और हमारी बिरयानी जल्द से जल्द दम पे आ जाए। ओके, अभी मैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग, अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे ही होंगे। आज हम जा रहे हैं मेरे हस्बैंड की खाला के घर पे, वो तलोजा में रहते हैं, तो आज हमने ऐसे ही खाना खाने के बाद डिसाइड किया चलो कहीं राउंड मारने जाते, तो मेरे बेटे ने बोला बाई के घर पे बहुत दिन से नहीं गए। असल में मेरे हस्बैंड की खाला को हम लोग बाई बोलते हैं, मेरे बच्चे भी बाई बोलते हैं, तो हम लोग ने डिसाइड किया चलो बाई के घर पे जाते हैं, तलोजा में रहते हैं वो। ओके, अभी आपको आगे का सब दिखेगा, हमने क्या क्या शॉट्स लिए हैं। और भी गेस्ट है, बहुत सारी गेस्ट है, सब बताइए। बाय बिल्ली बताओ सब। एक इधर बैठी है, भाई इसका नाम क्या है? मिन्नी। इसका नाम मिन्नी है और वो उसकी मम्मी थी अल्बा। जरा इंट्रोड्यूस करो, तुम हमारे कौन है, कैसे आप? बोले आज बच्चे ना मेरे घर पे आए, तो आज मैंने ना खीर बनाई, गाजर की खीर। गाजर की खीर कैसा बना है? हाँ, इसमें ने चावल है, गाजर किसके डाली, घी डाली और दूध का पाउडर डाली, हो गई खीर। और सब मेरे डोंगरी वाले बच्चे ना मेरे इधर आए है मेरा घर देखने। फिर हम निकल गए थे तलोजा से हमारे घर आने के लिए, बट हमें लेट हो गया था वहाँ से निकलने के लिए, तो हमने खाना भी बाहर खाए। ये आपको क्लिप्स दिख रहा होगा स्क्रीन पे।